दोस्तों सब्सक्राइब करें आरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पर दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरजे, आप सभी का स्वागत करता हूं आरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको MR जॉब फील्ड ज्वाइन करनी है, ज्वाइन तो आप करना चाहते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के पहले ना आप ऐसी बातें सुनते रहते हैं कि आप अपना माइंड डाइवर्ट करते रहते हैं, अपने माइंड को चेंज करते रहते हैं, सोचते हैं कि नहीं MR जॉब लगता है बेस्ट नहीं है। वो कैसे? देखिए कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि उनसे सुनते हैं, टेंशन मत ले यार, अगर तुझे कोई और जॉब नहीं मिलेगी ना, तुझे MR जॉब तो पक्का मिल जाएगी। MR जॉब मत कर यार, MR मत बन यार। MR बहुत घूमना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, पैसा भी नहीं है। और लाइफ क्या है MR जॉब की? कुछ भी नहीं है लाइफ, कोई रिस्पेक्ट देता ही नहीं है। क्या बात सही है, ये सुन के आप डर जाते हैं कि रिस्पेक्ट नहीं इस जॉब में? क्या बात कर रहा है, ऐसा है क्या इस जॉब में? हाँ यार, रिस्पेक्ट नहीं है कुछ भी इस जॉब में। अरे यार, कुछ भी नहीं मिलता ना कोई जॉब, तो MR जॉब तुझे पक्का मिल जाएगा। और अगर आप मान लीजिए, अगर आप कहीं जाते हैं किसी रिलेटिव के यहाँ पे, और अगर वहाँ पे कोई बंदा आता है और उनका चल रहा होता है बात, उनकी चल रही होती है बात, तो बातें चलते समय अगर कोई बोलता है ये हमारे उनके लड़के हैं फलाना वलाना के, और ये MR हैं। अच्छा, MR हैं, MR, तो ऐसा रिएक्शन देख के ना हम में से जो लोग वहाँ जाते हैं और सुनते तो डर जाते हैं, ऐसा क्यों रिएक्ट किया MR? तो आप घर में जाते हैं, MR मतलब क्या है ये, मतलब क्या, ऐसा रिएक्शन क्यों दिया उन्होंने MR? तो आप में से बहुत से लोगों ने प्रॉब्लम फेस भी किया होगा कि अगर आप MR हैं, आप जाते होंगे किसी रिलेटिव के यहाँ पे, तो अगर वो इंट्रोडक्शन करवा के देते भी होंगे तो आपको क्या पूछते हैं वो आपसे, क्या करते हो भाई, MR हो, सैलरी टाइम पे आती है क्या, सैलरी मिलती है क्या फिक्स? अरे बहुत घूमना पड़ता होगा। अरे टारगेट आप लोगों को, तो प्लेस भी कोई फिक्स होता नहीं है, यहाँ से उधर, उधर से उधर, आप लोगों की लाइफ कैसे चलती है? सैलरी कैसे होती है, टारगेट बेस के ऊपर होती है या फिर सैलरी, और आप लोगों को तो कंपनी निकाल भी देती होगी ना। कुछ लोग ऐसा नेगेटिव वे में बात करते रहते हैं, और जिनको पता होता है वो देते हैं रिस्पेक्ट। तो दोस्तों जो इन सब कहीं सुनी बातों पे जब आते हैं ना, तो मुझे ये क्लियर करना है इस वीडियो के माध्यम के जरिए, और जितना आप हो सके इस वीडियो को शेयर करें कि एग्जैक्टली एंड दे विल गेट द आइडिया ऑल्सो कि वाकई में क्या MR जॉब ऐसा है क्या। देखिए दोस्तों, टेंशन हर जगह पे है, हर जॉब में है, हर जगह पे आपको निकाला भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर है, ओके, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको घूमना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, ये रिस्पेक्ट की आप जो बातें सोच रहे हैं, आप इतना क्यों सोच रहे हैं कि रिस्पेक्ट, अगर उस इंसान ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया तो क्या बिगड़ गया? आपको सैलरी मिल रही है, आपको पैसा आ रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन ना, देन वाई यू वरी अबाउट दैट रिस्पेक्ट ओनली? रिस्पेक्ट देखिए, रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। जैसे आप रिस्पेक्ट देंगे सामने वाले इंसान को, आपको रिस्पेक्ट मिलता रहेगा। अब यहाँ बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे आप सुनते हैं कि अगर कोई भी जॉब नहीं मिलता है तो MR जॉब तो मिल जाएगा तुझे, उसका टेंशन मत ले, तो गलत सोच है। टॉम, डिक, एरा, गैरा, नत्थू, कैरा कोई भी फार्मा फील्ड में नहीं आ सकता है। ये फील्ड अगर होती ऐसी इजी तो सारे लोग MR बन जाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया, बहुत ही कम लोग MR बनते हैं जिनमें होती है वो क्वालिटी, तो आप में वो यूनिक क्वालिटी है, इसीलिए आप इस फील्ड में आए हैं। ये सोचिए, इस तरह से अपने को मोटिवेट कीजिए। ये नहीं कि दूसरे ने क्या बोला उसका सुन के आप ले लेते हैं एक्शन, बाद में उसका हो जाता है रिएक्शन। तो आप देखिए कि आप में वो क्वालिटी, इसीलिए कंपनी ने आपको लिया है और आप उसके एकदम परफेक्ट हैं इस जॉब के लिए, तभी आप इस मेडिकल लाइन में आए हैं, बराबर दोस्तों। तो ऐसा सोचिए ना, कुछ नहीं मिलता है जॉब, अगर नहीं होता है कहीं सिलेक्शन तो हो जाएगा। जो ऐसा सोचते हैं ना वो खाली सोचते रहते हैं, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता इस फील्ड में। जॉब इजी नहीं है, टफ जॉब है, लेकिन अगर आप इसको स्मार्ट वे से करेंगे तो आपका काम इजी वे में होता रहेगा। डोंट वर्क लाइक अ डोंकी, ओके, जस्ट वर्क लाइक अ स्मार्ट पर्सन। हार्ड वर्क करिए, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन इतना भी हार्ड वर्क मत करिए कि उसके पीछे आप सब कुछ भूल जाएं। स्मार्ट वर्क लगाइए इसमें, तो इस तरह से अगर आप करेंगे प्रॉपर वे में काम, तो आपका काम इजी वे में होता रहेगा। अब आप सोचोगे कि MR की लाइफ क्या होती, तो उनको बोलिए जो ऐसा बोलते हैं कि MR की लाइफ ही क्या है, तो उनको बोलिए कि क्या आप 5-star होटल गए हुए हैं कभी, कभी आप 3-star गए हुए हैं? बोलेंगे हाँ गए हैं, हम अपने पैसे से गए हैं। वही तो बात है, आप अपने पैसे से गए हैं, मैं कंपनी के पैसे से गया हूँ, जो मैं घूमा हूँ कंपनी के पैसे से घूमा हूँ। 5-star होटल, 3-star होटल, 4-star होटल में हमारी होती है मीटिंग्स। दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि MR की लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तो दोस्तों टेंशन कहाँ नहीं है। अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के बाद वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा उसका टेंशन होता है लोगों को।
अगर आपने मेडिकल शॉप डाल दिया तो वो मेडिकल शॉप चलेगा कि नहीं चलेगा उसका टेंशन होता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप डाल दिया, कपड़े की दुकान डाल दी, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे रन करेंगे, डेली टेंशन में आप रहते रहते हैं बराबर। उस बिजनेस को आप आगे बढ़ाने के लिए नए नए प्लान करते रहते हैं, तो उसी तरह से इस जॉब में अगर टेंशन होता है तो उस टेंशन को कैसे हम भगाएं, उस हिसाब से हम टारगेट के लिए प्लान करते हैं, उस हिसाब से हम डॉक्टर वाइज प्लान करते हैं जिससे कि हमारा टेंशन कम होता है। टारगेट अगर आप फिक्स नहीं करेंगे ज़िंदगी में, अगर दोस्तों टारगेट नहीं होगा तो मज़ा कैसा आएगा काम करने का। अगर एक कोई गोल सेट ही नहीं है कि हाँ हमको इतना अचीव करना है तो आप उसके पीछे भागेंगे ना, उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे ना। तो दोस्तों टारगेट तो होता ही है ना, अगर ज़िंदगी को रन करना है, लाइफ को रन करना है तो टारगेट होता है कि मुझे अगले दिन इतना कमाना है, मुझे मंथ एंड में ये है, अगले महीने मेरा रूम रेंट है, ये है वो है, ये लाना है वो लाना है, वो सब टारगेट होता है ना। सब टारगेट 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 टारगेट, तो इतना क्यों टेंशन लेते हैं। टारगेट तो हर जगह पर है, मार्केटिंग जॉब में टारगेट अगर आप करते तो आपको सैलरी तो मिलती है, सैलरी यहाँ पे होती है फिक्स। बहुत से लोगों को लगता है सैलरी मिलती है यहाँ पे कमीशन बेसिस के ऊपर, बहुत से लोगों को लगता है जहाँ पे सैलरी मिलती है कब, जब आप टारगेट अचीव करते हो, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। सैलरी आपकी होती है फिक्स। मान लीजिए अगर आपने अगले महीने टारगेट नहीं किया तो भी आपको उतनी ही सैलरी आएगी, अगर मान लीजिए उसके अगले महीने आपने टारगेट से ज़्यादा टारगेट कर दिया तो आपको उतनी ही सैलरी आएगी, तो उसमें क्या था टेंशन ले रहे हैं। एयर वाइज हर साल में एक बार यहाँ पे इंक्रीमेंट ग्रोथ होता रहता है। दोस्तों लोग क्या बोलते हैं उससे तो इम्पॉर्टेंट है आप क्या सोच रहे हैं वो देखिए। अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आ जाइए, क्योंकि इस फील्ड में मैं जैसा कि कहा कोई ऐरा गहरा नथु कहरा नहीं है सकता, अगर आप में वो क्वालिटी है तो ही आप इस फील्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। तो आप यूनिक है, इसका मतलब आप में वो कुछ अलग क्वालिटी है, डिफरेंट क्वालिटी, जिसलिए आप इस फील्ड में आ चुके हैं, आ गए हैं या फिर आने का प्लान कर रहे हैं। और आने के बाद आप खुद को मानिए कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ, मुझ में वो क्वालिटी, इसीलिए मैं इस फील्ड में आया हुआ हूँ। क्योंकि MR जॉब कोई भी बंदा नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें नॉलेज देना पड़ता है, प्रेजेंटेशन स्किल, बोलने की कला, ये सब आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो बाकी लोगों का मत सोचिए कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं, MR कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैं MR ही हूँ, मेरी लाइफ MR है, मैं MR हूँ। मैनेजर को भी यहाँ पे लोग बोलते हैं MR, MR को भी बोलते हैं MR, RSM को भी बोलते हैं MR, मतलब जो भी आप किसी भी पोस्ट पे चले जाएं आपको लोग बोलेंगे MR। लेकिन आप उस चीज़ों को लेके इतना भी टेंशन मत हो कि मैं मैनेजर हूँ मुझे बोल रहे हैं MR, मैं RSM हूँ मुझे बोल रहे हैं MR, बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप अपना काम खाली बस करते रहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, देखिए सोचिए समझिए फिर एक्शन लीजिए, देखिए समझिए सोचिए फिर एक्शन लीजिए। बहुत ही अच्छी फील्ड है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वाकई में फील्ड अच्छी है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वह यहाँ पे होती हैं, हो रही हैं, पैसा मिलता है, लाइफ है, सब कुछ है। बस हाँ ये मैं मानता हूँ कि सुबह से शाम तक घूमना पड़ता है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि प्रमोशन होने के बाद आपको मे बी वो आपका प्लेस चेंज करना पड़ सकता है। अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो आपको आपका प्लेस चेंज करना पड़ सकता है, चांसेस आर देयर। सैलरी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, मे बी कंपनी आपको निकाल सकती है, निकालने के बाद आपका दरवाज़ा बंद नहीं होता क्योंकि आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर आप दूसरी कंपनी, उससे अच्छी भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे अच्छा पैकेज आपको और मिल सकता है, मिलता है और मिल रहा है। तो इतना टेंशन मत लीजिए कि जिस दिन आपको कंपनी निकाल देगी आप जॉबलेस हो जाएंगे, नो नेवर। इमीडिएटली इंटरव्यू दीजिए दूसरी कंपनी में, आपको तुरंत जॉब मिल जाएगा क्योंकि वैकेंसी होती रहती है, लोग प्रमोशन लेते रहते हैं या फिर कंपनियां बदलते रहते हैं, तो इसलिए वहां पे वैकेंसी होती रहती है, तो आपको भी वहां पे चांस मिल सकता है और मिल जाता है और मिलता है। तो इतना टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, बिंदास रहिए। अगर आपको इस फील्ड में आना है तो लोगों की कम अपने दिल की ज़्यादा सुनिए, लोगों की कम अपने दिल की ज़्यादा सुनिए, तो ही आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।